चुकता टेका। आप लोगों ने नाम सुना कि राधे राधे ये जी मेरे को चाहिए। हाँ मेरे को चाहिए। चलिए तो अब हम चलते हैं गोवर्धन का परिक्रमा करने के लिए। ये जो देख रहा है ये गोवर्धन पूरा पर्वत है, तो हम इसका परिक्रमा करते हैं और आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और घर बैठे ही परिक्रमा करें। पीछे ज़रूर बैठिएगा। नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो अभी हम चले गोवर्धन पर्वत परिक्रमा करने के लिए और ऐसा एक्सपीरियंस पाने के लिए आप लोग भी ऑटो ज़रूर करें। तो देख सकते हैं ये लोग कैसे बैठे हैं टेम्पो पे। इसमें मज़ा बहुत आता है, बहुत मज़ा आता है। बताइए ध्यान से बैठना पड़ता है। आप भी मत करा हो तो ट्राई करके देखना। पीछे ज़रूर बैठिएगा, मज़ा बहुत आता है। आगे बैठने का आगे बैठने का तो रोज ही मज़ा लेते हैं, तो शाम पीछे कभी कभी पीछे बैठ के मज़े लेते हैं। तो ये है यूपी बिहार का सबसे फेमस चीज़ जो ऑटो होता है। ऐसे हम लोग एंजॉय के लिए कर सकते हैं और ऑटो में घूम सकते हैं। तो आप लोग भी मथुरा आए, यूपी जाए, तो ये मथुरा में ऐसे ज़रूर घूमें। तो फिलहाल हम लोग पहुंचने वाले हैं गोवर्धन पर्वत और यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है क्योंकि हम लोगों ने गोकुल से किया था ऑटो और यहाँ से काफ़ी दूर है। तो कुछ टाइम और है, 21 किलोमीटर और दिखा, 14 किलोमीटर दिखा रहा है गोवर्धन पर्वत। तो हम लोग रास्ते का आनंद लेते हुए और गोवर्धन पर्वत जाएंगे सीधा, जो कि कृष्ण भगवान कानी उंगली पे उठाए थे। और ये हम लोग पहुंच चुके हैं, वहाँ से हमको ऑटो करना, ये टोटो करना पड़ेगा, ई रिक्शा, क्योंकि वहाँ पे और कोई फैसिलिटी है नहीं और बड़ी गाड़ी आपको जाने देगी नहीं। आपकी प्राइवेट कार हो या कुछ भी हो, बाइक वाइक अलाउड हो सकता है क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे रास्ते होते हैं। तो हम लोगों ने टोटो किया है और सबको ही हम लोग जा रहे हैं। तो गोवर्धन परिक्रमा करने का दो ही रास्ता है, या तो आपको टोटो करके जाना पड़ेगा या फिर पैदल। तो सीधा एक राउंड है और टोटल गोवर्धन पर्वत है 21 किलोमीटर और देख सकते हैं ये सामने आ गया है गोवर्धन पर्वत जो श्री कृष्ण ने अपने कानी उंगली पे उठाया था। तो यहाँ से हमारा परिक्रमा शुरू होता है। तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहें वीडियो में और घर बैठे ही परिक्रमा करें और लोगों को देखिए कैसे परिक्रमा करते हैं। यहाँ पे बहुत तरह से परिक्रमा होती है, जैसे लोग पैदल चलते चलते, ये 21 किलोमीटर में पूरा फैला हुआ है। ऐसे करके हम लोग एक राउंड लेंगे। तो देख सकते हैं लोग पैदल सो के जैसे तैसे परिक्रमा करते हैं, मतलब गोल गोल घूमना होता है। तो एक होता है बड़ी परिक्रमा और एक होता है छोटी परिक्रमा। तो ये टोटल मिला के 21 किलोमीटर का आप लोग का परिक्रमा है। तो सबका अपना अपना मन्नत होता है परिक्रमा करने का। सो फिलहाल हमारे पास टाइम कम है तो आज हम लोग परिक्रमा करेंगे सीधा टोटो से, यानी ई रिक्शा से। और यहाँ पे रहने का फैसिलिटी है, तो आप लोग अगर और भी अगर घूमना चाहें, रहना चाहें, तो यहाँ पे आप लोग आके रह सकते हैं। और काफ़ी सारे मंदिर भी हैं और टाइमिंग ऐसे हम लोग आए हुए हैं कि अभी सभी मंदिर वगैरह सब बंद है, तो हम लोग जितना मंदिर का दर्शन कर सकते हैं रास्ते में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं जिनका दर्शन हो सकता है। तो ये एक मंदिर हम लोगों से छूट ही गया क्योंकि आप लोगों को दिखाया गया कि रास्ता बंद था अभी और हम लोग गलत टाइम पर आए हुए हैं। ये थोड़ा दोपहर का टाइम है और शाम का टाइम या फिर सुबह मॉर्निंग का टाइम, दो ही होता है। तो ये हम लोग का दो टोटो था, यानी ई रिक्शे थे दो टो, कुछ उसमें कुछ इसमें, और हम लोग परिक्रमा करते हुए और एंजॉयमेंट भी करते हुए। तो इस गोवर्धन पर्वत का नियम यही है कि आप इस गोवर्धन पर्वत के अंदर जा सकते हैं मगर चढ़ नहीं सकते हैं। तो ये ऐसे ही बैरिकेड लगा दिया गया है पूरा का पूरा, और सोच ही सकते हैं कितना बड़ा होगा ये पर्वत कि पूरा का पूरा एक गांव नीचे आ गया था। ये भी सब अपरम महिमा है, लीला है श्री कृष्ण भगवान का। और देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ऐसे ऐसे जगह है जहाँ एंट्री है, यहाँ से वो रहा गोवर्धन पर्वत पीछे। तो लोग कहते हैं कि उस पर नहीं चढ़ा जाता है क्योंकि वहाँ से लोग पूजा करते हैं, अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं। तो इंद्रदेव भी थक गए थे बारिश करते करते 7 दिनों तक, और कृष्ण भगवान अपने खाली उंगली पे उठाए हुए थे और बंसी बजा रहे थे।
मतलब जो चीज़ हम लोगों ने एक मूवी ये सब में देखा था वो आज मेरा रियल लाइफ में सपना पूरा हो गया कि यहाँ पे आके हम रियल वो सब चीज़ देख रहे हैं। तो लोगों की परिक्रमा अभी भी चालू है, लोग पैदल जा रहे हैं, थोड़ा धूप इसी टाइम पे मार्च अप्रैल मार्च के टाइम पे फरवरी मार्च में घूमना बहुत ही अच्छा है क्योंकि थोड़ा कम धूप रहता है और ठंडा गर्म का मौसम रहता है। और यहाँ से सबसे आप लोग बच के रहे ये बंदरों से, कब आपके फ़ोन वगैरह छीन के लेके चले जाएंगे कोई ठीक नहीं है, ये मैंने एक मथुरा और वृंदावन में देखा है। तो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम यहाँ पे आके पैदल परिक्रमा करेंगे खाली पांव। तो चलिए, यहाँ एन्जॉयमेंट का हम लोग का यही है कि इतना बड़ा पर्वत का भी दर्शन हो गया, कोई प्लान नहीं था हमारा मगर जो कृष्ण भगवान चाहें। ऑलमोस्ट हम लोग बहुत घूम चुके हैं और अभी भी बहुत ही बाकी है, 21 किलोमीटर मतलब कम से कम 2 घंटा आपको लगेगा ई रिक्शा से। और भाड़ा कुछ ज़्यादा नहीं है, 300 से 400 रुपए का आपका बार्गेनिंग रहेगा, तो जो जैसा मांगते हैं आप बार्गेनिंग करके 400 में से कर सकते हैं। और ये देखिए पर्वत, अभी भी पर्वत का जो ये दिख रहा है वो सब पेड़ लगा हुआ है पर्वत वहाँ से। मौसम काफ़ी अच्छा और हम लोग आनंद लेते हुए सभी कोई यहाँ पे, वही बाइक्स एंड स्कूटी अलाउ हो सकता है ये तो मेरे को पता नहीं है, बट टोटो आपको ये ई रिक्शा ही करना पड़ेगा परिक्रमा करने के लिए। अभी भी गोवर्धन पर्वत ही चल रहा है। तो सभी लोगों का एक सपना होता है और हम लोग जो मूवी वगैरह में देखे हैं वो अगर आप लोग का रियल लाइफ में मिल जाए देखने के लिए तो अलग ही एक अलग एक आनंद आता है। तो देख सकते हैं बंदर यहाँ पे तो काफ़ी है, बंदर यहाँ पे अनगिनत लगे मेरे को देख के। तो नेक्स्ट टाइम अगर ट्राई किया जाएगा अंदर जाके गोवर्धन पर्वत का दर्शन करें, और अंदर में भी काफ़ी सारे मंदिर है और रहने का जगह बाहर फैसिलिटी है तो हम लोग चाहे तो एक दिन का स्टे भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 दिन में ही पूरा मथुरा वृंदावन घूम लिया और थोड़ा टाइम लेके आएंगे तो और भी अच्छे से घूम सकते हैं। मिनिमम 1 वीक का टाइम लेके आके मथुरा एंड वृंदावन में घूमने एक अच्छा लगेगा। ये सब छोटे छोटे मंदिर का दर्शन है तो करते जाएं और देख सकते हैं सो के भी परिक्रमा करते हैं। तो हम लोग तो जस्ट हमारे पास टाइम कम था इसलिए ई रिक्शा से हम लोग को परिक्रमा करना पड़ा। और ये एक मंदिर आ गया तो चलते हैं मंदिर में दर्शन करते हैं। ये भी बहुत पुराना मंदिर है, मेरे को मंदिर का नाम तो याद नहीं आ रहा है फिलहाल, मगर यहाँ पर भी दर्शन करना पड़ता है। ये है श्री कृष्ण भगवान का मंदिर, तो दर्शन करें और फिर चले हम लोग आगे की तरफ। तो हमारे एन्जॉयमेंट यही हो रहा था कि कोई आगे हम लोग आगे जा रहे थे, कभी वो लोग आगे जा रहे थे, तो ऐसे ही चलते चलते हम लोग आगे भी चलते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर हैं तो सबका दर्शन करना एक दिन में पॉसिबिलिटी तो नहीं है। और ये अभी भी गोवर्धन पर्वत ही चल रहा है, हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं फिलहाल। और अगर लोग थक जाए तो बैठने का जगह है, पानी पीने का जगह है, खाना खाने का सुविधा है, इतना तो छोटे मोटे सुविधा है यहाँ पे। तो आप लोग वीडियो में जुड़े रहे और बने रहे और परिक्रमा हमारे साथ करते रहे, दर्शन करते रहे। और लोग थक जाते हैं तो बैठे हुए रहते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। 21 किलोमीटर कम नहीं होता है परिक्रमा करने के लिए,
और ये बंदर, तो ध्यान से रहे, बंदरों से बच के रहे। एक और छोटे से मंदिर, मंदिर ही मंदिर है यहाँ पे, दर्शन होता रहेगा। यहाँ से एंट्री अंदर की भी है, तो अंदर से भी लोग जाते हैं, बहुत लोग, तो अंदर घूमने का भी हमारे पास आज परिक्रमा कर रहे हैं इसीलिए टाइम नहीं हो पा रहा है, नहीं तो अंदर चलते हैं और पर्वत देख के आते हैं फिर हम लोग। बस अब गोवर्धन पर्वत कुछ ही 6.5 किलोमीटर बचा हुआ है, तो हमारे टाइम काफ़ी हो गया, लोग दौड़ते हुए भी परिक्रमा कर रहे हैं, तो आप लोग लेट के उसके बाद चल के और दौड़ के आपको जैसा परिक्रमा करना है आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे। और प्राइवेट गाड़ियाँ कोई भी अलाउड नहीं है इसमें, आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, यही भी श्योर है, या फिर ई रिक्शा करके, क्योंकि इनको मिलता है ऑथराइज कि आपको अंदर परिक्रमा कराए। ये भी कोई एक कुंड है, तो यहाँ पे आप लोग विश्राम कर सकते हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, फिर आगे चल सकते हैं। यहाँ से अंदर जाने का है गोवर्धन पर्वत का रास्ता, और काफ़ी पुराना घर वगैरह, और ये हम लोग गली में आ चुके हैं, इसलिए मैंने बोला था कि जो गली वगैरह है इसलिए हमारा प्राइवेट कार वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं होता है, तो हम लोग को ऐसे करके ही टोटो वगैरह ई रिक्शा करके ही आना पड़ेगा। ये भी धर्मशालाएँ वगैरह है, तो यहाँ पे रह सकते हैं हम लोग भी। कितने दूर से गोवर्धन पर्वत, और फिर हम लोग थोड़े दूर में और आगे चलते हुए, और बस कुछ दूर और है, परिक्रमा ख़त्म होने वाला है, और सामने एक और टोटो है हम लोग का ही, हाँ। एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए फैसिलिटी वगैरह आप लोगों को मिल जाएगा, रहने का प्लेसेस मिल जाएगा गोवर्धन पर्वत के पास, तो आप लोग रह सकते हैं यहाँ पे आके, और ये ऐसे इन्जॉयमेंट होता है ऐसे टोटो वगैरह का, एंड ऑटो का बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है यहाँ पे, मिल जाएगा सब कुछ, और भाड़ा भी बहुत कम लगता है। फ़िलहाल तो हम लोग परिक्रमा अभी भी करते हुए और गोवर्धन पर्वत का दर्शन करते हुए, दर्शन मिलते हुए, लोग अभी भी परिक्रमा कर रहे हैं, तो अंदर एक और मंदिर मिला हम लोग को देखने के लिए, तो अंदर ही तो नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं था, तो जितना हम लोग दर्शन कर सकते थे उतना हम लोग ने किया। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं छोटे मोटे मार्केट भी है, बहुत अच्छा है मार्केट का, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं और एक लोगों की परिक्रमा चल रही है अभी भी, लोग लेट के करते ही हैं परिक्रमा, तो आगे थोड़ा जाम लगा हुआ था इसलिए रुक गए हम लोग, फिर चलते हैं आगे की तरफ। तो आप लोग अगर पैदल परिक्रमा करते हैं तो कम से कम 6 घंटा लगेगा, जैसे 6 घंटा मिनिमम मैक्सिमम टाइम है, और लोग चाहे तो 4 घंटे में भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग सब कुछ मंदिरों का दर्शन करते हुए आगे, और यहाँ पे बोला जाता है कृष्ण भगवान बैठे हुए थे, नाम सुना कि इस प्लेस का क्या है, तो हम लोग को ज़बरदस्ती बैठाया गया है,
तो यहाँ आप लोग को बैठना ही पड़ेगा। कुछ बोलो तुम, ऐसे बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ कुछ बोलो, पहले पहले बोलो। राधे राधे। ये जगह का क्या नाम है? ये भी बच्चा कॉमेडियन था। जी मेरे को चाहिए। मेरा कैमरा मांग रहा है। टाटा कर दो। तो चलो हम लोग यहाँ पे बच्चे को कुछ देते हुए और फिर निकलेंगे आगे। तो टाटा करते हुए हम लोग सबको ही और बच्चे को यहीं पे छोड़ के फिर आगे चलते हैं। राधा कुंड बस 4 किलोमीटर और था और अभी बज रहे थे शाम के 5। तो 5 बजे भी इतना ही धूप था। वैसे गर्मी उतनी नहीं थी क्योंकि हम लोग जो टाइम पे गए थे मार्च के टाइम पे, उस टाइम पे थोड़ा ठंड गर्म रहता है, तो इजीली हम लोग घूम सकते हैं दोपहर वगैरह में। तो इसके पहले भी काफ़ी सारे वीडियो हैं, तो आप लोग जाके वीडियो को देखें। और गोवर्धन परिक्रमा तो हम लोग का चल ही रहा है, तो यहाँ से दर्शन करते हुए और भी बहुत सारे मंदिरों का दर्शन होता हुआ है। तो आप लोग वीडियो को देखें ज़रूर और शेयर ज़रूर करें लोगों के साथ, क्योंकि बहुत लोग आ नहीं पाते हैं यहाँ पे देखने के लिए। तो आप लोग को घर बैठे ही मिल गया देखने के लिए फ़िलहाल ये। जब बुलावा आएगा कृष्ण भवन का तो आप लोग सभी कोई पहुंच जाएंगे, ये तो मेरा भी श्योरिटी है। मेरा भी कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, बस नॉर्मली सब ये सब चला और हम पहुंच गए वहां पे। काफ़ी पुरानी हवेली, काफ़ी पुराने मंदिर, काफ़ी कुछ है देखने के लिए, घूमने के लिए। सब जगह कैमरा अलाउड नहीं होता है, तो कुछ जगह का आप दर्शन खुद करके आना पड़ेगा। और नहीं, दर्शन के लिए भगवान बुलाते ही हैं, एक ना एक दिन तो बुलाएंगे ही ज़रूर। तो हमारा परिक्रमा भी थोड़ी देर में कंप्लीट होने वाला है। राधा कुंड भी है वहाँ पे, तो राधा कुंड में भी जाना था हम लोग को। तो ये सब घूमने के लिए कम से कम एक दिन का स्टे करना पड़ेगा यहाँ पे। एक दिन गोवर्धन परिक्रमा कर लिए, एक दिन रह लिए, उसके बाद दूसरे दिन हम लोग शाम को राधा कुंड वगैरह इधर का घूम लिए पूरा। और ये एक और मंदिर है, तो एक और मंदिर के अंदर चलते हैं, दर्शन करके आते हैं। ये भी काफ़ी पुराना मंदिर है, इस मंदिर का नाम याद नहीं आ रहा, जगन्नाथ मंदिर टाइप का बनाया गया ये वाला, जगन्नाथ मंदिर का। तो अंदर चलते हैं, दर्शन करके आते हैं। फिर यहाँ से दर्शन हो चुका है और हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। अभी भी गोवर्धन परिक्रमा हम लोग की बाकी है थोड़ी सी, तो वो करने के बाद हम लोग जाएंगे सीधा घर पे। और थोड़ी देर का रेस्ट तो लेना पड़ेगा, आज काफ़ी ज़्यादा हम लोग थक भी चुके हैं। लोगों की अभी भी परिक्रमा चल रही है वहाँ से दूर से आते हुए। तो हमारा तो 2 घंटा में परिक्रमा ख़त्म हो चुका था, तो 2 घंटा ही लगेगा परिक्रमा करने में, 21 किलोमीटर 22 किलोमीटर है ऐसे ही कुछ। फिर मौका मिलेगा तो ज़रूर हम आएंगे। ये एक जगह है यहाँ पे आप लोग रह सकते हैं, धर्मशाला टाइप का है। और यहाँ पे 2-3 मंदिर है जो कि आपको घूमना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल हम लोग आगे भी चलते हैं मंदिर की तरफ दर्शन करने के लिए। तो हमें तो पता नहीं था कि परिक्रमा क्या होता है, तो यहाँ पे आके हम लोग को सब कुछ पता चला कि परिक्रमा क्या होता है, कैसे किया जाता है एंड ऑल। ये है लास्ट मंदिर।
तो यहाँ पे आपको दर्शन करना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे दर्शन करें ज़रूर। और बस हमारा परिक्रमा ख़त्म हुआ और यहाँ से हम लोग जाएंगे अभी सीधा घर की तरफ। तो हम फाइनली घर आ चुके हैं और मथुरा का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय एंड राधे 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 राधे। सब बाय तो कर दो ब्लॉग में।